कलकर्मो से जो यहाँ पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे चंद्र भाई साहब जो है और योगा तालियों से जो प्रस्तुति है निर्देशक लेखक लकी चतुर्वेदी जी द्वारा जो है और हमेशा जो है क्योंकि एक समय था कि ड्रामा का क्रेज था और आदमी युग के रहते मोबाइल और सब चीज़ चलते सब लोग बोलते आ रहे हैं तो आपकी टीम द्वारा लकी चतुर्वेदी की टीम द्वारा जो है निरंतर प्रयास किया जाता कि शहडोल जिले के सभी नागरिकों को कुछ न कुछ जो है एक मंचीय प्रोग्राम के माध्यम से जो है एक दिशा निर्देश प्राप्त हो। आज के आते समय लोग ड्रामा चीज को भूल गए परंतु ये हमारी एक जीवन से एक अहम भूमिका थिएटर से रहता है। सभी कलाकारों को संवर्धन करें We'll be right back.
पालता था। पर समाज, पर समाज के कुत्ते के कारण ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। क्या करें, बेबस है, मजबूर है, हम कुछ कर नहीं सकते। बचा लो, बचा लो, कहिए समाज और समाज के ठेकेदार हमें जीते जी न मार दे, जीते जी न मार दे, जीते जी। इसे आप जानते हैं, ये है सच्चाई हमारे अपने समाज की, जहां आज भी कुछ लोग गरीब और मजबूरों को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, उनका हक छीनने की कोशिश करते हैं। इसकी हालत देखकर आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि समाज में आज भी कुछ कंधे गिरे खड़े हुए। क्या यही है समय काल? आइए देखिए। जलाए बैठे और हम यहाँ यहाँ बड़ा बड़ा हाईवे जला के रहते हैं।
तुम उठाए चले आए पैसा चले गाँव से कौन आए घर में कुछ जरूरत पैसा मिल जाता तो हमारा काम हो जाता काम ना काम का दुश्मन राज का ससुरा मुंह उठाए चला आता जब देखा तब पैसा दे दो यहाँ पेड़ लगा का देख रहा हो शुक्ला हम है टेंशन हुआ है हैं अब तुम क्या देखा तब पैसा मांगने आते हो नहीं है पैसे यार आप ही तुम्हारे काम आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे जो काम देते हो कहते हो मीडिया के स्कूल में भीड़ भेज रहा हूँ नहीं होता 24 घंटे पैसा मार लेते हटाइए पता नहीं आ जाते हैं कहाँ करे शुक्ला गंदा हुआ पर धंधा हुआ करना पड़ता है अब ससुरा इनके बिना तो काम नहीं चलता ना है तुम छोड़ो और बताओ ए बुढ़िया आओ यही कहाँ डबरी जलाए बैठे हो हमारा विदेश वाले इम्पोर्टेंट आइटम आ गया दुबई वाला आज शुक्ला के लिए बुलवाए थे भी साफ रखते हमारे शुक्ला जी आज दिखाते तुम्हें लल्लन सिंह का जलवा अभी हम जाता हूँ देखता हूँ कौन दरोगा आवाज
चलो बाजार गाड़ी निकाल। इस्माइल हट। किन हालातों में
क्या क्या कहकर एक गांव का सामना करते हुए अपने गांव पहुंचता है। आइए देखते हैं। ऐसे गरीबी कब तक चलेगा? तो चलो देखते हैं पता करे जरा कौन आया है। अरे भैया, ओ भैया, राम राम। अरे राम राम भैया। राम राम भैया। अरे कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? भैया यहीं शहर की ओर से आ रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं। काम करते थे बाबू साहब, काम घर बंद हो गया, बाबू साहब निकाल बस जो बचा है लेके जा रहे। अरे भैया, आप तो सतर से बहुत ही थके दिख रहे हो। एक बात बात, हम लोग भी मजबूर ही है, आज रात यही मेला डाल लो, भोजन करना और सब मेला बोले बोले निकल जाना। सही बात है भैया, कहते तो ठीक हो भैया, हम भी बड़ी दूर से चलते चलते थक गए, अब लगता है थोड़ा यही आराम कर लें। बस तो फिर बैठो, लगा लो आसन अपना, हमारे साथ बैठो, कुछ खा लो, भैया अरे लगता है तो सो गया भैया, सो भैया, ओ भैया सो गए, सो गए, सो गए। चुप 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 चुप
गया है। पूर गांव वाले के सामने हमारा सर नीचा था, इतनी आसानी से बोल दिया। ए मुंशी, एक काम करते हैं, पूरे गांव में ये खबर फैला दे कि मंगलू का वायरस वाली बीमारी हुई थी, और जो वही छुई तो छूते मर गए। हम ही नहीं रहे, मंगलू का भाव, मंगलू का। जब अगर गांव वाले सुनिए तो मंगलू को गांव के अंदर आवेदन दे है, होने से मार मार भगा दे और हमरो काम बन जाए। सहबो मर गई, हर लाठी भी नहीं टूटी। क्या बोलते है? सही कहा नानी। आप बिल्कुल चिंता मत करिए पिताजी, इस बार उस मंगलू की ऐसी मरम्मत करेंगे कि फिर कभी अपने गांव लौटकर आने के बारे में वो सोचेगा। कैसे मालिक अपना करेगा मरम्मत ना? सवाल सवाल के बात करना, नहीं यही गणपटा सेंक देंगे। चुपचाप अपने आदमी को बुला और चलो हमारे साथ, देखते हैं उसको मगर चला रहे मरम्मत करे। चलिए मालिक। हाँ चल। Yeah.
जो मार रहा है उस गरीब को, इस गरीब ने तुम लोगों को क्या दिखा रहा है? तो भाई, तो। अरे साहब, यही बिल्कुल हाथ न लगाया, यही बहुत बड़ी बीमारी है। वायरस वाली दूर शहर से आवा है ना, तो अगले गांव में वो वायरस वाली खतरनाक बीमारी फैला रही। चुप करो तुम भगवान हो या डॉक्टर? जो तुम्हें पहले से पता है इसे बीमारी है। यदि आप लोग को शंका है तो स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाए, वहाँ उसका उपचार होगा। किसी की मदद करने से ज्यादा जरूरी उसे मारना नहीं होता। और यदि इसे बीमारी है तो आप लोग क्यों छोड़े, क्यों मार रहे उसे? कैसे मार रहे हैं? बकवास बंद करो अपना। बेचारा मजदूर मंगी गांव पहुंचते ही उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने मजदूर मंगलू को अंदर से खिला दिया। एक गिरता चली नहीं थी कि दूसरी उसने पेट भर दी। उस दिन पहले उसके घर एक गिरता हुआ था जिसकी हालत बहुत गंभीर, बहुत नाजुक। आइए देखते हैं उसके बेटे का आखिर क्या होता है। अब
कोई तो अच्छा जाकर के साथ दिखा के नहीं थी
ढेर सारा पैसा चाहिए, पर हमारे पास एक मोटी कवरी नहीं बचा। तुम चिंता मत करो मुनिया के बाबू, भगवान पे भरोसा कर, सब ठीक हो जाए। भगवान वाले भगवान वाह, का कुछ दिखाए जीवन मां, तो का कुछ बाकी रह गया है। यह मैं बहुत में भरोसा नहीं मिल रहा है। देखा मुझे के बाद तो परेशान मत हो, हमारे पास जो थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है, तो मुझे जिसे गई कोई गिर भी रखा दे, कुछ हमें हाथ में पैसा आ गया तो दादा भी अच्छा गांव के दिखाए हो जाए, तो कहते ठीक है मुनिया जी, बिल्कुल ठीक कहते। जैसन खराब की इंसान आज तक अपने जीवन में नहीं देखे, किस्मत के मारे हैं ना, पूरा गांव हो चला तो मुझसे व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सकेंगे। ते कहते हैं कि मजाक है उनके पास, मजाक के हाथ जोड़ के कर दो वो लड़कर के बहुत हालत खराब, वो स्थिति और मेरे घर की स्थिति बहुत खराब, मदद कर दे ध्यान रखे और मुनिया के समय से खूब भेज दिया। अरे जब आप लिए रे हमार कुमार साहब शादी तो होंगे वही नवा कुर्ता और साथ में पर्दनियों मिली समझे, अरे मिली ले मालिक 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 का करे बबलू आ रहा है का बोलते है हाँ मालिक आज मालिक लपेट ले ए मुंशी हमें पता तो चले कि रह का हो है तब ना लपेटा जाए ठीक है राम 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 आहा मंगले कैसे आए हमने घर की हालत ठीक नहीं है मुझे, हमने छोट लड़का की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कुछ हमारे घर और जगह जमीन के कागज है मुखिया जी, ये गिरवी रख के कुछ पैसे ले लेते तो हमारा काम हो जाता है, थोड़े काम जात असली है कि नकली। हम पढ़े लिखे हैं और बात जैसा होता है।
कल आए तो पैसा ले जाए प्रधानमंत्री यही बहुत खराब है कल आ के पैसा ले जाए एक दिन में दो लड़का मरना चाहिए मेरे सीने में सही ना तेरे सीने में।
समय की मार झेलता हुआ वो अपनी तमाम जमीनी कागजात लेकर मुखिया के पास जाता, जहां उसे उसकी जमीन हड़प कर ठग ली जाती है। तीवसी और मजबूरी में वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। जहां उसे कोई और रास्ता नहीं दिखाई देता, वहीं दूसरी ओर उसकी बेटी के साथ एक अप्रिय घटना हो जाती है, जिससे मजदूर मंगलू अंदर ही अंदर और कमजोर और लाचार और बेबस होता जा रहा। जीवन के इस अंतिम छोर पे उसे सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। ऐसे में कौन देगा उसका साथ? आप, मैं या हम में से कोई नहीं। कौन से सुन लो मेरी बात को? गांव के मुखिया को अवैध शराब, धोखाधड़ी और ठगी में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर मुखिया के बेटे को दुष्कर्म और नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। आए दिन कुछ ऐसी खबर आप रोज अखबार में पढ़ते होंगे, क्या यही है समय कांड? कब तक सहते रहेंगे? कब तक सहते रहेंगे? समाज में जुल्म और अत्याचार, कब तक हमारा शोषण जो ही सरेआम होता रहे? कब तक हमें पैर की धूल समझ कर चूती में जो ही डालना चाहिए? कब तक? बस सब और नहीं सहा जाता, अब और नहीं सहा जाता। बचा लो, बचा लो, वरना ये समाज और समाज के ठेकेदार कहीं हमें जीते जी न मार दे, जीते जी न मार दे। Yeah.
सच्चाई आज समाज में जो कुछ बीत रहा है उसको जो है मंच के माध्यम से जो है इन कलाकारों के द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। निश्चित है कि ये प्रदर्शन आपको पसंद होगा। जोरदार ताली से कलाकारों का उत्साह वर्णन करिए। और यह कला अपने आदिवासी संभाग से कला जो है धीरे धीरे थिएटर का युग जो है लुप्त होते जा रहा है। इस थिएटर को जो है जीवित रखने के लिए आप सभी दर्शकों का सराहना और आपका सभी का योगदान आवश्यक है। शर्मा अम्मा के किरदार निभा रही थी हर्षित शुक्ला, शुक्ला जी, राजकमल, अपूर्वा तोमर, मुनिया जो जो किरदार निभा रही थी, स्नेहा विश्वकर्मा जो भाभी की किरदार निभा रहे थे, नंदनी वर्मा जो ननंद किरदार निभा रहे थे, नीतीश मिश्रा पुलिस इंस्पेक्टर जोधा तालिबेटी तरुण पांडे विषय रूप में, पुरुषोत्तम राठौर गाँव के मुखिया के रूप में भूमिका निभा रहे थे, जोरागंज से अंजू अज्जू बर्मन कोलगेट चमचम, शिवम सोनी बुंदेला चेला चोर के रूप में जो है तीन भूमिका निभा रहे थे, आकाश साहू चोर राजकमल का मित्र और लखय थे, तीन भूमिकाओं का ये निर्वाह कर रहे थे। रेणुका विश्वकर्मा न्यूज रिपोर्टर जो कि एक मीडिया का अहम भूमिका, जोधा तालिबन जी गाँव के सब महिला के रूप में जो एक रिपोर्टर के रूप में दो किरदार निभा रहे थे, देवेंद अब्दागी लाल सिंह डॉन डॉन समझ गए होंगे है, और इसकी किरदार निभा रहे थे, जीनत अंसारी पिंकी का जो है किरदार निभा रहे थे, अतुल नापित हवलदार बहुत जोधा तालिबन जी हवलदार जो थे, और बाबा का चेहरा दोनों किरदार ये निभा रहे थे, आशीष सोंदिया विदेशी आइटम चैनल है उसका किरदार आपके सामने जो है निभा रहे थे। ये नाटक समय का कांड आज के परिवेश की सत्य घटना है। लेखक निर्देशक लकी चतुर्वेदी जो जोरदार तालियों से जो इनका अभिवादन होना चाहिए, सह निर्देशक नीतीश मिश्रा एवं अजय दुर्वे, मंच की परिकल्पना जो आप मंच देख रहे हैं गोविंद सिंह कंवर, लकी चतुर्वेदी और शिवम, संगीत परिकल्पना सागर वर्मा जो संगीत आप सुन रहे थे, साहिल वर्मा, प्रीतु तिवारी, पुरुषोत्तम सिंह राठौर, प्रकाश परिकल्पना जो आप लाइटिंग का जो काम देख रहे थे, प्रीतु तिवारी, नितिन तांबेकर और जसवंत वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका थी, रूप परिकल्पना क्योंकि किसी भी मंच की शोभा होती है वो परिधान और रूप परिकल्पना होती है, इसमें आशीष सोंदिया, अनीश खान, अंजू वर्मा और देवेंद्र अंदाजी का मुख्य भूमिका के रूप में थे। वस्त्र परिकल्पना किसी भी कलाकार के लिए कोई भी मंची कार्यक्रम होता है वस्त्र परिधान बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके रूप में गोविंद सिंह, नितेश मिश्रा, आशीष शुक्ला और अजय धुर्वे जो है इस वस्त्र परिकल्पना की जो पूरी वेशभूषा को संभाल के रखे थे, और मंच के परे से अर्चना बैरागी, तरुण वर्मा, राहुल नामदेव, श्याम किशोर सिम्मू, अरे श्याम किशोर सिम्मू जोड़ा देंगे, पूरा साउंड व्यवस्था हुई थी वही लाइट और पानी जोड़ा देंगे, सिम्मू भाई आगे आएंगे, इनके बिना कोई कार्यक्रम जो सफल हो ही नहीं सकता भाई है ना, श्याम किशोर हो गए, राहुल नामदेव, तरुण वर्मा, अर्चना बैरागी और निखिल, ये सबसे और विशाल, ये सबसे ये पर्दे के पीछे वाले कलाकार हैं, पूरी लाइटिंग साउंड है मंच पर, ये पर्दे के पीछे कलाकार सब अहम भूमिका के रूप में रहे मंच पर, आदित्य, विनय केवट, निकित नामकार, ये सभी जो कलाकार